एवरीवन, मेरे प्यारे सारे व्यूअर्स को सहनाज किचन में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं एक नई तरीके का रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। अब तो ठंडे के दिन आ गए हैं, बहुत सारे पालक मिलते हैं। मैं सोची आप लोग को एक नई तरह का रेसिपी बनाकर आप लोग को दिखाऊं। ये पालक से बनेंगे और ये रेसिपी का नाम है पालक एक करी, और ये ढाबा स्टाइल है। पालक के सभी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखाऊंगी अंडा को फ्राई करके। से इस तरह अच्छी तरह से कट कर लेंगे चारों ओर से। ये बॉइल्ड एग है, इसे मैं इस तरह कट कर ली हूं। अब मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डालूंगी, थोड़े हल्दी पाउडर, थोड़े और थोड़े से नमक। अब इसे मिक्स करके इसे फ्राई करना है। चलिए गैस की ओर। सबसे पहले मैं अंडा को फ्राई कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से पूरा ब्राउन कर लेंगे। चारों ओर से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप अंडा को बना लेंगे चारों तरफ से फ्राई करके। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे अलग कर देती हूँ। फिर से एक कढ़ाई लेती हूँ, इसे गर्म करके इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगते हैं, 4 से 5 टीस्पून, क्योंकि हमें अनियन को पूरा ब्राउन करना है। फिर मैं तेजपत्ता डालूंगी, लाल मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, गोल मिर्च। फिर अनियन को डालना है। इसे गोल्डन ब्राउन करना है। अब ये ब्राउन हो रहे हैं, मैं इसमें एक चुटकी शुगर डालती हूँ। मैं पालक का करी बनाने से या कुछ भी बनाने से मैं कट करके डालना पसंद करती हूँ, ग्राइंड करके मैं नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि कट करके मैं ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। पूरा महीन कट कर देंगे आप। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करती हूँ। फिर मैं इस दही में और थोड़े हल्दी डालती हूँ, थोड़े कश्मीरी मिर्च और थोड़े ये रेड मिर्च, इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। अब मैं इस दही को इसमें डालती हूँ। गैस ऑन करती हूँ। इसे हमें कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाना है। अब देखते हैं ये मसाला बने के लिए। देखिए ऑयल अलग हो गए हैं, इसे आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ये बारीक कटा हुआ पालक को ऐड करूँगी। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट फिर से कुक करूँगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। देखते हैं ये हुआ कि नहीं। अब ये गलने लगा है, अच्छी तरह से भुना भी गया है। अब मैं इसमें थोड़ा गरम पानी डालती हूँ। इसे 6-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फिर से एक बार कुक होने देंगे।
पे कुछ इस तरह से हो रहे हैं। अब मैं इसमें इस एग को डालती हूँ। ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अंडा डाल रहे हैं ना, और थोड़ा गरम मसाला। अब मैं इसमें धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ और 2 मिनट इसे कुक होने देंगे। ये पालक अब बन चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और आप लोग हमेशा पालक को कट करके बनाइए, ग्राइंड करके तो अक्सर आप लोग खाते रहेंगे, लेकिन इस तरह का आप नहीं टेस्ट किए होंगे। देखिए कितने मज़ेदार बने हैं। और ठंडे के दिन में तो पालक बहुत ही फ्रेश मिलते हैं, और इसे चावल या रोटी किसी के साथ भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। यह अब पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसे थोड़ा गार्निश करती हूँ। आप पकाते हुए कस्तूरी मेथी भी यूज कर सकते हैं। अभी तो पूरी तरह तैयार है। आज की पालक और एक रेसिपी आप लोग को बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि अंडा हमेशा हेल्दी होते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन पालक की बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को दिखाई हूँ। हमेशा से मेरा यही कोशिश रहता है, इजी से इजी तरीके से मैं आप लोग को दिखाऊँ, ताकि कम समय में ये बन जाए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखा कीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले आने वाले रेसिपी के लिए। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आने वाला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हमेशा की तरह खुश रहिए।